जी, इस वीडियो में हम देखेंगे पिंक सॉफ्ट एंड प्लम्प बेबी लिप्स हमने कैसे अचीव करने हैं एक वीक में। तो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि टोटल दो स्टेप्स हैं, बहुत इजी है, एक वीक करनी है। एक वीक तो मैं मैक्सिमम कह रही हूँ, इससे भी पहले हो जाएंगे, यकीन रखो मुझ पर। तो जी, सबसे पहले हमें अपने लिप्स को स्क्रब करना है, जो कि पहला स्टेप है। बट स्क्रब करने से पहले हमें अपने लिप्स पर कोई भी मिल्क लगा लेना है, या फिर हमें बटर लगा लेना है, या कोई भी मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने लिप्स को सॉफ्ट करना है। स्क्रब करने से पहले छीलना नहीं है, सिर्फ हमें टैन रिमूव करना है और डेड स्किन रिमूव करनी है, तो लिप्स का सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैंने जो है वो बटर लगा लिया है, तो अब जस्ट 2 मिनट्स वेट करेंगे और फिर इसी के ऊपर ही वॉश नहीं करना, ऐसे ही स्क्रब कर लेनी है। तो जी, अब 2 से 3 मिनट्स हो गए हैं लिप्स पर मेरे लगे हुए बटर को, तो अब हमने स्क्रब जो बनानी है वो है, उसमें 1 टीस्पून मैंने कॉफी ली है, 1 ही टीस्पून मैंने इसमें डाला है वो ग्लिसरीन। आपके पास हनी है तो हनी भी डाल सकते हैं, और जिनके लिप्स जरा थोड़े ज्यादा डार्क हैं वो इसमें चंद कतरे, मतलब 2 to 3 drops लेमन के भी डाल लें तो ज्यादा अच्छा है। तो अब इसको हम स्क्रब को करेंगे 2 से 3 मिनट और फिर 2-3 मिनट इसे लगा रहने देंगे होंठों पर। तो इस तरह से हम फिंगर पर लेंगे और करते जाएंगे, हल्का हल्का सा हमने ऐसे इसको करना है रब, ताकि जो डेड स्किन और टैन है, सन टैन हमारे लिप्स पर हुआ होता है वो रिमूव। और इस जगह पर तो लाजमी करना है भाई, ग्लिसरीन या हनी, ये दोनों बहुत बेस्ट होते हैं, और कॉफी जो है ये डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, ताकि ग्लिसरीन जो है लिप्स को सॉफ्ट करने के लिए। लेमन बहुत अच्छा है अगर डालने तो, यार ये तो छड़ बन गई, थोड़ी सी और लेती हूँ। एक बार फिर से करती हूँ, कड़वी कॉफी मुंह के अंदर पी जा रही है, लेकिन कोई नहीं, कर सकती हूँ मैं एडजस्ट लिप्स के लिए। अब आपने ये लगा के किसी के सामने नहीं जाना, उसे जाना नहीं है, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाए, बस 3 मिनट, और उसके बाद जो करना है वो सबसे मेन स्टेप है, और वो लाजमी वैसे ही करना है जैसे मैंने बताना है। तो मिलते हैं 3 मिनट के बाद। दांत कितने गंदे लग रहे हैं। तो जी, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मैंने अपने लिप्स को वॉश कर लिया है, और ये मुझे तो बहुत ही सॉफ्ट, नीट और रेड रेड से फील हो रहे हैं। पता नहीं आपको वीडियो में लग रहे हैं कि नहीं, रियली बहुत सॉफ्ट हो गए। और अब जो हमने करना है वो हमने, मैं अब बताती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ मेरे पास है आमंड ऑयल, और ये लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए बेस्ट होता है, मतलब कि बहुत बेस्ट। तो 2 drops आपने इस आमंड ऑयल के ले लेने हैं, और 1 drop आपने लेना है, जस्ट 1 drop लेमन का। तो इस तरह से मैंने हाथ में ले लिया, लेमन में दिखाना भूल गई थी वीडियो में, तो मैंने ऐसे ले लिया। और इस तरह से हमें फिंगर से लेके इसे लिप्स पर लगाना, और ये आप रोज़ कर सकते हैं डेली, मतलब जिस टाइम मर्जी करें, ये वाला तरीका एक लाजमी करना है। तो इस तरह से हमने लगाना है, लिप्स पर लगा लेना है, और चाहे सो जाएं, चाहे बैठे, चाहे जो करें। और सबसे बेस्ट चीज़ यार, ये टैन को रिमूव करने के लिए, और यहाँ पर मोबाइल गिरने लगा था, मैं दोबारा से लगा रही हूँ, सबसे बेस्ट ये है टैन को रिमूव करने के लिए, ये लाजमी करना है। और यहाँ मैं कह रही हूँ कि लेमन को कभी भी आपने डायरेक्ट जो है वो फेस पर या कहीं भी लिप्स पर कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये टैन तो रिमूव करना करता ही है, अगर इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे ना तो ये हमारी स्किन को डैमेज भी कर सकता है, इसलिए डायरेक्ट कभी नहीं लगाना है। If you like this video, like, subscribe and follow. Follow नहीं मतलब कि share, बनता है ना। और यहाँ पर मैं एमी पोज दे रही हूँ पागलों की तरह। Bye, love you guys so much.